और इस बीच एक बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। यहाँ पड़ाव थाने इलाके में एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक का नाम अहमद बकर है। अहमद बकर के पास से उर्दू, अरबी और फारसी साहित्य भी मिला है। वो 10 दिन पहले बिना वीजा के भारत आया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली दूतावास में संपर्क किया है। जाहिर है बेहद संवेदनशील मामला। बिना वीजा के भारत आया है अहमद बकर, बांग्लादेशी है ये, लेकिन इसके बाद से उर्दू, अरबी और फारसी साहित्य भी मिला है। 10 दिन पहले ही बिना वीजा के भारत आया था। फिलहाल जांच की जा रही है।